क्योंकि हम लोग एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं, अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। आप गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एट इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी यूट्यूब चैनल और ऐप पर। मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूँ, सिवान में एक IAS एकेडमिक चलता है निर्माण के नाम से, जिसका डायरेक्टर आज हमारे साथ बने हुए हैं। मैं चाहूँगा कि दो शब्द आप लोग को मैसेज के रूप में दें कि UPSC प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज़। संजीव सर का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस चैनल पे आया हूँ, और निर्माण IAS एकेडमी सिवान में डायरेक्टर अमरेंद्र सर हूँ। और रही बात की सिविल सर्विसेज के लिए, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसमें, इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि इसके लिए जो भी वो बेसिक से तैयारी होनी चाहिए, NCERT से लेकर के आपको स्टार्ट करना चाहिए, और कभी भी तैयारी आपको ग्रेजुएशन से पहले से स्टार्ट करनी चाहिए। खैर ये मैं अपना बताया, लेकिन संजीव सर के बारे में काफ़ी मैं सुना था इंग्लिश को लेकर के, और काफ़ी लोगों के माध्यम से भी मैं सुना था कि सर जिस तरह से इंग्लिश को पढ़ाते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर आया हूँ सर से मिलने के लिए, इसके लिए मुझे लोगों ने बताया था, सर से भी मेरी हमेशा बात होती थी, और जिस तरह से मार्केट में प्रचार हो रहे थे संडे क्लास के लिए, तो सर से मिलने के लिए आ गया। और वास्तव में जिस तरह से सर पढ़ाते हैं, आज मैंने देखा भी कि किस तरह से मिनटों में ये 2000 शब्द को इंग्लिश वर्ड्स को याद करा देते हैं, तो आज मैं बैठ करके यहीं सर से देख रहा था, और मुझे रियली में सर बहुत अच्छा लगा, और सिवान के लिए एक अलग पहचान है ये। थैंक यू सर। मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सर कि मिनटों में हजारों की संख्या में वर्ड हम कैसे याद कर सकते हैं। ओके सर, प्लीज़ बी सीटेड सर। तो दोस्तों आइए आप भी देखिए कि मिनटों में कैसे हजारों की संख्या में वर्ड हम याद कर सकते हैं। ओके, लेकिन सर चाहूँगा कि मैं कि आप यहाँ चले आए। ओके, विद चेयर। चलिए सर, देखिए बहुत ही शानदार, जानदार और आसान तरीके से जान लीजिए एडजेक्टिव प्लस वन। एडजेक्टिव किसे कहते हैं आपको पता होगा, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के अच्छाई या बुराई को बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए सेकेंड वर्ड है वन। वन माने होता है एक मैथ के भाषा में, लेकिन जब एडजेक्टिव के साथ वन जुड़ जाएगा तो वहां पर जो है वन का हिंदी निकलता है वाला, वाली, के तरह, के जैसा, के समान। कंसेप्ट क्लियर हुआ सर? यानी कि किसी भी एडजेक्टिव के साथ जब हम वन जोड़ देंगे तो उसका हिंदी क्या निकलेगा सर? वाला, वाली, के तरह, के जैसा, के समान। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, दिस वन मतलब यह वाला। ओके, देखिए तो दिस के बाद वन आ गया, तो दिस यहां पर एडजेक्टिव का काम करता है, याद रखिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल डैट वन, वह वाला। देखिए तो ब्लैक एडजेक्टिव है, तो ब्लैक वन मतलब काला वाला या काली वाली। ना कहते हैं कि वो काली वाली लड़की है ना, बड़ी बदमाश है, वो काला वाला लड़का बड़ी बदमाश है, वो काला वाला शर्ट हमको चाहिए, वो काला वाला पैंट मुझे चाहिए। तो काला वाला या काली वाली दोनों की अंग्रेजी होती है ब्लैक वन। एनी प्रॉब्लम? चलिए व्हाइट वन, उजला वाला, ब्लू वन, ब्लू वाला, येलो वन, समझ मारी। चलिए जैसे स्मॉल वन, छोटा वाला, और बिग वन, बिग वन, बड़ा वाला, न्यू वन, हाँ न्यू वन, नया वाला, ओल्ड वन, पुराना वाला, अब फैट वन, मोटा वाला या मोटी वाली, थिन वन, पतला वाला या पतली वाली, टॉल वन, लंबा वाला या लंबी वाली, पुअर वन, गरीब वाला, रिच वन, अमीर वाला,
समझ में आ रही है? यानी कि किसी भी एडजेक्टिव में वन लगाओ, एक नया वर्ड बना लो। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, फ्रंट वन सामने वाला, बैक वन पीछे वाला, बिसाइड वन बगल वाला या बगल वाली। गाना सुने ना कि बगल वाली जान मारे ली, है ना, भोजपुरी का सॉन्ग है कि बगल वाली जान मारे ली। तो बगल वाली जान मारे ली, तो बगल वाली का अंग्रेजी आपको मिल गया। अब जान मारना का वर्ड खोज लीजिएगा, बना लीजिएगा, ट्रांसलेट कर लीजिएगा, या मेरे पास फोन कीजिएगा, हम ही बता देंगे। ओके, कोई दिक्कत? अप वन ऊपर वाला और डाउन वन नीचे वाला। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किसी भी एडजेक्टिव में आप वन लगाइए, एक नया वर्ड बनाइए। क्लियर हुआ? चले, तो ये तो पहला रूल था जो हजारों के संख्या में वर्ड बनेगा। इसके साथ साथ जो है, अब इसका हम यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, है ना, ये जानना जरूरी है। क्योंकि मिनटों में वर्ड तो आ गया, यूज कैसे करेंगे? तो एक वर्ड मेरे भाषा में याद रखिएगा, क्योंकि अपनी मेरी कंसेप्ट है। सो मतलब होता है सर दिखाना। सो मतलब क्या हो गया सर? हाँ, दिखाना। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो दुकानदार से क्या कहते हैं, थोड़ा सा वो वाला दिखाइए, अरे सर थोड़ा सा काला वाला दिखाइए, सर थोड़ा सा पीछे वाला दिखाइए। बस इसी चीज़ को अब अंग्रेजी में कहना है, ठीक है ना, कि अंकल अंकल सो मी डैट वन, अरे अंकल बैक वन, अरे अंकल बिग वन बिग वन। तो अंकल समझ जाएंगे, अंकल ला कर दिखाएंगे, पसंद आ जाए तो कहेंगे अंकल हाउ मच, हाउ मच कहिएगा तो नहीं समझेगा, लेकिन कहिएगा हाउ मच। तो ये भाषा जानवर भी आज के डेट में समझ जाता है, सही है गलत, आप लोग भी समझते चलिए, ये भाषा तो जानवर भी समझ जाता है, इंसान तो दूर की चीज़ है। वेरी गुड, समझ में आ रही है ना। तो इसका यूज होने लगा, जैसे कहेंगे अमरिंदर सर गो एंड कॉल डैट वन, हाँ अमरिंदर सर जाइए एंड कॉल डैट वन, मतलब वह हवाले को बुलाइए, राइट। अमरिंदर सर गो एंड कॉल फाइट वन ब्लैक वन, जाइए वो काली वाले को बुलाइए या काले वाले को बुलाइए। समझ में आ रही है? कभी कभी लोग ऐसे भी बोल देते, ओए मिस्टर फैट वन कम हियर, तो ओए मिस्टर फैट वन मतलब ओए मिस्टर मोटू इधर आओ, है ना, ओ मिस टॉल कम हियर, तो ओ मिस टॉल मतलब क्या, मिस लगा दिया रेस्पेक्टिव वर्ड हो गया, और टॉल वन मने ए लंबी वाली, आओ इधर, अमिताभ बच्चन का कोर्स किए बैठी हो, इतना लंबी हो, आ जाओ इधर। अब बताइए इसका यूज हो रहा है या नहीं, ठीक है ना। कहेंगे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस वन, आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू अबाउट दिस वन। तो दिस वन समझ रहे हैं आप मेरे पास, हाँ। आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू अबाउट दैट वन, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका ये यूटिलाइजेशन हुआ। इस पर हम लेक्चर दिए इसलिए टाइम लगा, अन्यथा दो मिनट काफ़ी है समझने के लिए, दो मिनट काफ़ी है कि किसी भी एडजेक्टिव में वन लगाओ, हाँ वाला वाली का अर्थ देगा, एक नया वर्ड बनने लगेगा, दिस वन डेट वन रेड वन ब्लैक वन स्मॉल वन बिग, बस 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 ले जाइए, समझ में आ गई। चलिए, ये पहला रूल था ना, आइए जो हम सेकेंड रूल आपको बताते हैं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि संजीव सर कौन सा जादू का छड़ी रखे हुए हैं कि मिनटों में हजारों की संख्या में वर्ड याद करा देते हैं। ओके, तो सेकेंड रूल जान लीजिए, किसी भी एडजेक्टिव के बाद आप प्लुरल नाउन लगा दीजिए। समझिए इस चीज को, एडजेक्टिव तो अभी हम बता दिए हैं, आप पी फॉर प्लुरल और एन फॉर नाउन, यानी कि प्लुरल नाउन, अरे सिंगुलर से प्लुरल नाउन बनता है ना, जैसे बुक से बुक्स, पेन से पेन्स, बॉय से बॉयज बनता है ना, लीडर से लीडर्स बनता है ना। तो किसी भी एडजेक्टिव के बाद अगर प्लुरल नाउन आ जाता है तो यहाँ पर एडजेक्टिव को दो बार पढ़ना पड़ता है। कैसे, तो ध्यान दीजिए, जैसे ग्रेट एडजेक्टिव है ना, और उसके बाद हम जोड़ देंगे प्लुरल नाउन के जगह पर लीडर्स, तो लीडर का प्लुरल हो गया लीडर्स, एस लग गया, यानी कि ग्रेट लीडर्स, इसका मतलब हुआ सर महान,
आ इसको हम लोग मैथ के भाषा में एक्सक्वायर कर दें तो महान महान, अब तब यहाँ कर देंगे क्या सर नेता, यानी कि महान महान नेता, समझ में आ रही है। हम अगर ऐसे कर दें इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट माने तेज, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, ये लगा है पुडल हो गया, मतलब तेज तेज विद्यार्थी, समझ में आ रही है। अगर हम कह दें सर कि ब्लैक गर्ल्स मतलब काली काली लड़कियां, ठीक है, अब ब्लैक बॉयज काले काले लड़के, फैट गर्ल्स मतलब हाँ मोटी मोटी लड़कियां, अब फैट बॉयज मोटे मोटे लड़के, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। चलिए अब अगर और भी मतलब हजारों के संख्या में वर्ड बनेगा, ठीक है, जैसे अब हम कह दें यहां पर कि डेंजरस पीपल, चलिए दो बार पढ़िए, डेंजरस मतलब खतरनाक, खतरनाक खतरनाक लोग, बन रहा कि नहीं बन रहा, यानी कि एडजेक्टिव के बाद प्लुरल नाउन लगाओ और एक नया वर्ड बनाओ, है कि नहीं। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एकदम सिंपल सा वे है, जैसे कहना होगा आपको कि कश्मीर में सुंदर सुंदर लड़कियां हैं तो कहेंगे देयर आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, अरे ब्यूटीफुल गर्ल्स मतलब सुंदर सुंदर लड़की नहीं हो जाएगा, ब्यूटीफुल गर्ल्स मतलब सुंदर सुंदर लड़कियां, तो देयर आर ब्यूटीफुल गर्ल्स इन कश्मीर, और सुंदर सुंदर लड़के तो हैंडसम कहेंगे, हाँ हैंडसम, हाँ क्या कहेंगे, हैंडसम बॉयज मतलब सुंदर सुंदर लड़के, बन रहा है वर्ड कि नहीं बन रहा, सेंटेंस भी बनेगा। जैसे 1947 के पहले भारत में महान महान नेता थे तो कहेंगे दे वर ग्रेट लीडर्स बिफोर 1947 इन इंडिया, या बिफोर 1947 दे वर ग्रेट लीडर्स इन इंडिया, बन गया सेंटेंस, ठीक है। कहेंगे बिहार में खतरनाक खतरनाक लोग हैं, यूपी में खतरनाक खतरनाक लोग हैं, तो दे आर डेंजरस पीपल इन यूपी इन बिहार इन पाकिस्तान इन इंडिया इन झारखंड, जहाँ कहना चाहते हैं कह डालिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, बन रहा है या कि नहीं बन रही बता दीजिए हमको। तो दो रूल मैंने आपको बताया है ना, चलिए हम आपको थर्ड रूल भी बता देते हैं, देखते हैं कि आपको इंटरेस्ट जगता है इंग्लिश से कि नहीं, ठीक है। थर्ड रूल जान लीजिए, जैसे एन फॉर नाउन आफ्टर एन माने नाउन, ठीक है ना, एन फॉर नाउन, इसका लॉजिक समझ लीजिए, जो नाउन यहाँ रहेगा वही नाउन जो है फिर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आफ्टर का हिंदी निकलेगा पर, क्या निकलेगा, हाँ आफ्टर का हिंदी निकलेगा पर, वैसे आफ्टर माने होता है के पीछे के बाद, लेकिन जो नाउन यहाँ रहे वही नाउन यहाँ रहे, यानी कि आफ्टर के पहले नाउन आफ्टर के बाद नाउन लेकिन सेम नाउन, तो यहाँ पर आफ्टर का हिंदी निकलेगा पर। फॉर एग्जाम्पल ड्रेस, देखिए तो नाउन है और उसके बाद आफ्टर लगा दीजिए और फिर यही ड्रेस यहाँ लेकर चले आइए, हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ पोशाक पर पोशाक, हाँ आप एकदम जनरली सुनते होंगे कि तुम पोशाक पर पोशाक बदल रही हो, कुछ दाल में काला तो नहीं है, हाँ आपका पोशाक पर पोशाक बदलना बताता है कि आपको किसी से मोहब्बत हो गई है, पर शायद आपको पता नहीं कि मोहब्बत एक रंगीन धोखा है, हाँ दिखाना चाहते हैं इम्प्रेस करना चाहते हैं, है ना। तो देखिए तो हो रहा है ड्रेस आफ्टर ड्रेस पोशाक पर पोशाक, अगर यही हम कह दें ऐसे
मर्डर आफ्टर मर्डर, मतलब हत्या पर हत्या, ठीक है। और यही हम कह दे सर, लाई माने होता है झूठ, हाँ, लाई आफ्टर लाई, मतलब झूठ पर झूठ, तुम झूठ पर झूठ बोल रही हो, मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रही हो, सही ना। चलिए, जैसे हम कह दे कि हाँ करप, कह सकते, अब तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बनाया जा सकता, आपका कॉमन सेंस काम करने लगा, ठीक है ना, कि आप लाई आफ्टर पर झूठ पर झूठ, अब प्रोमिस आफ्टर प्रोमिस, देखिए तो प्रोमिस आफ्टर प्रोमिस, मतलब वादे पर वादा। जब जब इलेक्शन आता है तो नेता जी दरवाजे घूमने को वादा पर वादा करता है ना, आ गरीब भाइयों को लगता है कि अब हमारा सारा समस्या का समाधान हो गया, सही ना, लेकिन हो पाता है नहीं हो पाता है, तो सिर्फ वादे पर वादे होते हैं, तो देख रहे ना, वादा पर वादा, प्रोमिस आफ्टर प्रोमिस, और वादे पर वादा करना तो मेक प्रोमिस होता है, यू आर मेकिंग प्रोमिस आफ्टर प्रोमिस, यू आर टेलिंग लाई आफ्टर लाई। अब कहेंगे क्या कि दिस इज द डेली केसेस मर्डर आफ्टर मर्डर इन बिहार एंड यूपी, मैंने डेली का धंधा है हत्या पर हत्या बिहार में और यूपी में, वर्ड सर मिलने लगेगा ना तो सेंटेंस बनने लगेगा, अब इस पर हजारों की संख्या में बनाइए ना, कौन रोकने जाता है, सही है गलत है। तो ये तीसरा नियम था, अब कहें तो और आगे बढ़ चले, बिल्कुल बताएंगे सर, क्या बात करते हैं सर, पढ़ाना मेरा पैशन है, पढ़ाना मेरा पैशन है, ठीक है, हमसे प्यार से पढ़ना चाहिए ना तो पूरी रात पढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे कि प्यार में बहुत ताकत होती है, बहुत एनर्जी होती है, क्योंकि इंसान को ताकत की ज़रूरत तब पड़ता है जब कुछ गलत करना हो, इंसान को ताकत की ज़रूरत तब पड़ता है जब कुछ गलत करना हो, वरना दुनिया का हर चीज़ पाने के लिए मोहब्बत ही काफ़ी है, मोहब्बत ही काफ़ी है, ठीक है सर। तो चलिए, ये रूल नंबर कितना था, थ्री था, रूल नंबर फोर देखना चाहेंगे एकदम आसान वे में। चलिए, देखिए सर, रूल नंबर फोर में आपको एकदम बहुत ही आसान तरीका से हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं, मैंने वर्ड फॉर्मेशन, इसको वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं मेरे भाषा में, क्या बोलते हैं, वर्ड फॉर्मेशन, मैंने वर्ड पर कमांड करना, ठीक है। जैसे वर्ब का जो है चौथा फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद जो है एक वर्ड जान लीजिए मशीन, अब कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम वर्ड बनाना शुरू करेंगे। देखिए, मशीन का मतलब होता है मैंने यंत्र जो थकता नहीं है, जैसे फैन 24 आवर्स चलाइएगा थकेगा नहीं, जैसे एसी थकेगा नहीं, कैमरा काम कर रहा है थकेगा नहीं, डिजिटल बोर्ड है थकेगा नहीं, एम आई राइट और रॉन्ग, 24 घंटा आपका घड़ी चलते रहता है, थकता है क्या, हमारा हार्ट जो है धड़कते रहता है ना, थकता है क्या, हाँ थकता है, जब किसी स्पेशल के लिए धड़केगा तब, जब मिलन नहीं होगा ना तब थकेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, है ना, ओ मेरा दिल धड़क रहा है जिसके लिए, उसको तो कोई परवाह ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, समझ रही है ना, हाँ वेरी गुड, काफ़ी आप मैंने क्या कहते हैं आसकी मिजाज वाले लग रहे हैं ना। आपके ऊपर मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा, फिर हम लोग देखते हैं कि तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकता था, तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकता था, तेरे आंखों के आंसू मेरे आंखों से निकल सकता था, मैं तो खड़ा ही रहा झील की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर तक निकल सकता था, बहुत दूर तक निकल सकता था। चलिए, आप आसिक मिजाज लग रहे हैं इसलिए हमको पढ़ाने में भी बहुत मजा आ रही है। चलिए, तो वर्ब का जो है चौथा फॉर्म समझ में आ रही है, कि वर्ब का चौथा फॉर्म मतलब यानी कि एक्शन वर्ब में ING लगा देना, ठीक है। और मशीन का कंसेप्ट आपने क्या समझा, कि ना थकने वाला यंत्र, समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आप बताइए तो ईट मतलब क्या होता है,
ईट माने खाना और इसमें जोड़ दीजिए आईएनजी, हो गया ना वर्ब का चौथा पर। और उसके बाद मशीन जोड़ दीजिए हाइफन लगाकर, ठीक है, यानी कि ईटिंग मशीन। तो खाने वाला मशीन तो कुछ है नहीं कि वो खाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ क्या खाएगा, कोई खाना खाएगा, रोटी दाल सब्जी खाएगा क्या, नहीं खाएगा ना। आ ईट माने खाना होता है, तो अब यहाँ पर ईटिंग मशीन, ये मशीन शब्द यूज हो रहा है इंसान के लिए, ठीक है। अब मशीन थकता नहीं है, तो ये सेंस कह रहा है कि वैसा इंसान जो मशीन के तरह खाए, मशीन थकता नहीं, उसी तरह से इंसान भी न थकता हो, उस इंसान को कहते हैं ईटिंग मशीन। जैसे मान लीजिए कि पेट डोरा, ठीक है ना, सॉरी देह डोरा आप पेट बोरा, देखिएगा एक कहावत है हमारे बिहार में, ठीक है ना, कि देह डोरा आप पेट बोरा, माने एकदम शरीर पतला है, देह में जान नहीं है, खाना 20 गो रोटी खा लेगा, एक केजी चावल खा लेगा, अगर मटन चिकन मिल जाए तब तो भाई टूट पड़ेगा, समझ मारी ना। तो उसको कहावत के रूप में कहते हैं कि देह डोरा आप पेट बोरा, समझ मारी ना। अब कह रहे कि ईटिंग मशीन, जैसे कहेंगे यू आर ईटिंग मशीन, ठीक है ना, मतलब वो खाते रहेगा लेकिन थकेगा नहीं, कहेंगे ना यू आर ईटिंग मशीन, ठीक है। अगर यहीं पर हम ऐसे कह दें कि टीचिंग मशीन, मतलब पढ़ाने वाला मशीन, तो पढ़ाने वाला मशीन तो है नहीं, तो हम आपके ऊपर कह दें कि संजीव सर इज अ टीचिंग मशीन, अमरेंद्र सर इज अ टीचिंग मशीन। इसका मतलब हुआ कि अमरेंद्र सर, ठीक है ना, 24 घंटा पढ़वा लीजिएगा तो वो थकेंगे नहीं, मतलब मशीन के तरह है वो, इतना एनर्जी है, ताकत है, क्षमता है कि 24 आवर्स वो पढ़ा सकते हैं, ठीक है सर। तो कहेंगे कि संजीव सर इज अ टीचिंग मशीन, अमरेंद्र इज अ टीचिंग मशीन, संदीप सर इज अ टीचिंग मशीन, कंसेप्ट समझ मारिए। चलिए, जैसे अगर कह दिया जाए एब्यूज, मतलब क्या होता है, गाली देना, हम इसमें क्या कर दिए, एब्यूजिंग मशीन, हाँ वैसा इंसान जो गाली देने से थकता नहीं है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एब्यूजिंग मशीन। जैसे कहेंगे कि योर वाइफ इज एब्यूजिंग मशीन, ठीक है, कहेंगे द लेडी हु इज देयर इज अ एब्यूजिंग मशीन, वह औरत जो वहाँ खड़ी है, वहाँ है, गाली देने की मशीन है, ठीक है, मतलब वो औरत नहीं है, गाली देती है ना तो मशीन नहीं थकता है ना, तो वो भी नहीं थकती है गाली देने से। देखिए तो वर्ड बन रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी तो एक्शन वर्ब जो कह रहा है, तो ये हजारों की संख्या में एक्शन वर्ब है ना जी, अब किसी भी एक्शन वर्ब में लगाइए, रनिंग मशीन, प्लेइंग मशीन, जैसे विराट कोहली इज प्लेइंग मशीन, नहीं थकते हैं, शाहरुख खान इज एक्टिंग मशीन, अमिताभ बच्चन इज एक्टिंग मशीन, देख रहे हैं ना, 80 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन आज के दिन में सब पर भारी है, सही है गलत है, हम तो सुने थे कि एक बिहारी 100 पे भारी, ये तो एक अमिताभ पूरे बॉलीवुड पर भारी, और आज की डेट में सर ये अमिताभ जाए चूल्हे भाड़ में, एक जो है लॉरेंस बिश्नोई पूरे एंटी सोशल पर भारी, एंटी सोशल मतलब ये भी पढ़ा देते हैं मत घबराइए, एंटी सोशल मतलब होता है समाज विरोधी, एंटी नेशन मतलब राष्ट्र विरोधी, इसलिए मैंने कहा कि एक लॉरेंस बिश्नोई पूरे एंटी सोशल पर भारी, जो समाज विरोधी है, देश विरोधी है, उस पर नहीं भारी है, ऐसे को तो सैल्यूट कर देना चाहिए, सही ना। चलिए तो देख रहे हैं बनेगा कि नहीं बनेगा, तो चार ना, यहाँ थोड़ा सा पांचवा नंबर देख लीजिए, जो आपको अभी हम बता रहे थे 5 नंबर में, ठीक है, क्या हम यहाँ पर बता रहे थे उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए एंटी, ठीक है, और एंटी के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ हम फिलअप कर देंगे तो एक नया वर्ड बनने लगेगा, क्या फिलअप करेंगे तो कंसेप्ट समझ लीजिए, जैसे एंटी सोशल, एंटी सोशल मतलब हाँ समाज विरोधी, क्योंकि एंटी का मतलब क्या होता है,
एंटी मतलब होता है सर विरोधी, खिलाफत करने वाला। तो एंटी सोशल मतलब समाज विरोधी। और अगर यही हम कह दें सर यहाँ पर एंटी नेशन मतलब राष्ट्र विरोधी हुआ ना, अगर सर हम यही कह दें सर कि एंटी एंटी बीजेपी मतलब बीजेपी का विरोधी, एंटी आरजेडी आरजेडी का विरोधी, एंटी कांग्रेस कांग्रेस का विरोधी, सही ना, एंटी हिंदूज हिंदू का विरोधी, एंटी मुस्लिम मुसलमानों का विरोधी, समझ में आ रही है, बन रहा है वर्ड कि नहीं बन रहा है। एंटी सिवान, चलिए हम लोग सिवान के रहने वाले तो जानिए, एंटी हाँ सिवान का विरोधी। अब बताइए एक डिक्शनरी में वर्ड मिलेगा एंटी लेडीज, एंटी लेडीज मतलब, एंटी लेडीज मतलब महिला विरोधी। देखिए तो सर एंटी एंटी लेडी मतलब महिला विरोधी, एंटी लव मैरिज एंटी लव मैरिज, बोलिए सर एंटी लव मैरिज मतलब प्रेम विवाह के विरोधी, एंटी अरेंज मैरिज मतलब अरेंज विवाह के विरोधी, ठीक है हाँ समझ रही है। अब जैसे हम कहें सर कि जैसे कहा जाए कि एंटी को एजुकेशन, को एजुकेशन सबसे पहले तो जानिए कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हो कि को एजुकेशन क्या है। तो को एजुकेशन का मतलब होता है कि वैसा क्लास वैसा कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर पढ़ते हों, कोई भेदभाव ना हो लड़के और लड़कियों में, एक ही टीचर पढ़ा रहा हो और लड़का लड़की क्लास में बैठा हो, उसको कहते हैं को एजुकेशन, ठीक है। तो बहुत ऐसे समाज में हमारे लोग हैं जो एंटी को एजुकेशन है, उनका मानना है कि लड़का लड़की को एक जगह नहीं एजुकेट करना चाहिए, ना लव अफेयर जो है हाँ। लेकिन सच्चाई तो ये है सर कि जब प्रेम से भगवान नहीं बचे थे, कृष्ण नहीं बचे थे, तो मैं कैसे बच जाऊँगा बच पाऊँगा। तो मोहब्बत पर प्रेम पर कमेंट करने से पहले अपने भगवान को देख लीजिए, कृष्ण को देख लीजिए, राम को देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ सर कि माना कि इश्क जुर्म है, मैं तो कहता हूँ कि माना कि इश्क जुर्म है तो कोई सजा बाकी ना हो, माना कि इश्क जुर्म है तो कोई सजा बाकी ना हो, पर शर्त है संजीव शिवानी को पत्थर भी वही मारे जो पापी ना हो, जो पापी ना हो, ठीक है। जब हमारे भगवान नहीं बचे, हमारे राम कृष्ण नहीं बचे, तो संजीव शिवानी और आप कैसे बच जाएंगे सर। ओके तो देखिए तो बन रहा है कि नहीं। एंटी पॉलिटिक्स राजनीति विरोधी, एंटी क्या कहते हैं हाँ एंटी हाँ कम्युनिज्म कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो अब सिस्टम मिल गया ना, सिस्टम मिल गया। अरे सर हजारों के संख्या में बना सकते हैं। इसका थोड़ा सा एक और स्टेप हम बढ़ना चाहेंगे। स्टेप का मतलब जैसे मान ली कि 5 का 1 हो गया, ठीक है। इसका 5-2 में देखिए जो है थोड़ा सा आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, इसका बी में जान लीजिए, ठीक है। बी में का तो एंटी के बाद वर्ब आ जाएगा, क्या जाएगा एंटी के बाद वर्ब आ जाएगा, ठीक है ना। तो वर्ब का जो है चौथा रूप हो जाएगा और तब जो है नाउन आएगा, ठीक है। जैसे हाँ चलिए अगर दिमाग काम कर रहा है तो बताइए अपने मन से, और नहीं काम कर रहा है तो ध्यान दीजिए, कहेंगे एंटी, ठीक है ना। एजुकेट मतलब क्या होता है, शिक्षित कर, तो कह रहे कि एंटी एजुकेटिंग लेडीज मतलब महिलाओं के शिक्षित करने के विरोधी,
मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिला को शिक्षित नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि सर एक इंसान यानी कि एक मर्द जब शिक्षित होता है तो सिर्फ उसका इंडिविजुअल लाइफ सुधरता है, समरता है, लेकिन जब एक महिला जो है एजुकेट हो जाती है तो पूरा परिवार जो है एजुकेट हो जाता है, क्योंकि पूरे परिवार का एजुकेशन एक औरत पर ही निर्भर करता है। अगर औरत अच्छी मिल गई तो पूरा परिवार, पूरा घर स्वर्ग बन जाता है, अगर गड़बड़ मिली तो आपका घर ही नरक बन जाता है, राइट और रॉन्ग। तो ये कह रहे कि एंटी एजुकेटिंग लेडीज, मतलब वैसा लोग जो महिला को शिक्षित करने के विरोधी है कि महिलाओं को एजुकेट नहीं करना चाहिए, जैसे कहेंगे यू आर एंटी एजुकेटिंग लेडीज, समझ ना, एंटी फाइटिंग द इलेक्शन, चुनाव लड़ने के विरोधी। मैं कहते हैं हम तो पहले ही से विरोध कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो कहेंगे आई एम एंटी फाइटिंग द इलेक्शन, बनना है कि नहीं बनना है सर। तो सर देखिए ये वर्ड बनाना, मैंने हमको तो लगता है कि क्या बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, क्योंकि इसके साथ हम खेलते हैं सर, क्योंकि यहाँ ये नियम हम लोग पढ़ रहे थे ना, ठीक है ना, ईटिंग मशीन, टीचिंग मशीन, एब्यूजिंग मशीन, रीडिंग मशीन, रनिंग मशीन, वॉकिंग मशीन, स्पीकिंग मशीन, बन रहा है ना वर्ड, युवा वॉकिंग मशीन, युवा एब्यूजिंग मशीन, आई एम टीचिंग मशीन, ठीक है ना, वर्किंग मशीन, जैसे कहेंगे मिस्टर मोदी इज वर्किंग मशीन, माई पापा इज वर्किंग मशीन, मतलब इतना काम करते हैं वो थकते नहीं मशीन की तरह, सही ना है, आसान है या नहीं है। तो सर जब वर्ड पर कमांड होने लगेगा सर, 10 मिनट के क्लासों में मैंने देखा वास्तव में आप इंग्लिश पढ़ाते नहीं, इंग्लिश के साथ खेलते हैं और सामने वाला को सिंपल तरीके से बताते हैं। मुझे यकीन हो गया कि वर्ड के साथ मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो सर देखिए ये सर ये तो स्पोकन का क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया सर, स्पोकन का क्षेत्र हो गया, हम ग्रामर के साथ भी खेलते हैं, ठीक है सर, हम ग्रामर के साथ भी खेलते हैं, जैसे ग्रामर का एक चैप्टर है सर आर्टिकल, ठीक है ना सर, क्या है आर्टिकल, ग्रामर का एक चैप्टर है, और आर्टिकल दो तरह का होता है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट, उसमें जो है द का प्रयोग पढ़ना होता है, किसका प्रयोग पढ़ना है सर, द का प्रयोग पढ़ना है, बुक ओपन करके देखिएगा समझ में आएगा नहीं, या एक एक रूल आपको मिलेगा, किसी टीचर के पास जाइएगा तो द का प्रयोग जो है वो आपको 8 दिन में पढ़ाएगा, 10 दिन में पढ़ाएगा, लेकिन मैं 5 मिनट में द का जो है आपको 80% जो है प्रयोग बता दूंगा, 5 मिनट में सर। एक मेरा कविता याद कर लीजिएगा, पार्टी पुस्तक सरिता सवारी, पत्र पत्रिका मकान दुकानदारी, पदवी सैनिक बाजा जाति दिशा रेट अंग, और द को लगाए सुपरलेटिव के संग, 80% द का प्रयोग खत्म हो गया। सिर्फ कंसेप्ट समझ लेना है कि कह क्या रहा है, ठीक है ना, जैसे मैंने पहला वर्ड क्या बोला था, पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके पहले द लगा दो, उसके बाद कह रहा है क्या पुस्तक, कोई भी धार्मिक पुस्तक हो उसके पहले द लगा दो, उसके बाद क्या सरिता, सरिता मन होता है नदी नाला, है ना, तो नदी हो नारा हो पोखरा हो पोखरी हो गड्ढा हो गुड्डी हो कोई मतलब नहीं, उसका नामकरण कर हो गया हो, उसका नाम रख दिया गया हो, समझ रहे ना, नाम मन भोलावा टोलावा गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी ठीक है ना कोसी, ठीक है ना, लाल सागर हरा सागर पीला पता नहीं कौन कौन सागर है, ये हमारे ज्योग्राफी वाले सर लोग बता देंगे, ठीक है ना, तो नामकरण हो जाए द का प्रयोग कर दो। तो सरिता के बाद सवारी याद कर लो, सवारी मतलब यहां से जो वहां पहुंचाने का काम करे और वहां से जो है यहां पहुंचाने का काम करे, माने एक जगह से दूसरे जगह और दूसरे जगह से तीसरे जगह, मतलब जो हमें पहुंचाने का काम करे दैट इज कॉल्ड सवारी, ठीक है ना। अब वो इंसान को भी पहुंचा सकता है और सामान को भी पहुंचा सकता है, ठीक है, तो उसके नामकरण कर दिया जाए तो द लगा दो, जैसे द वैशाली एक्सप्रेस, द
द शताब्दी एक्सप्रेस, द तिरंगा एक्सप्रेस, द तूफान मेल, द गरीब रथ, द सहारा एयरलाइंस, द इंडिगो, द स्पाइस जेट। कंसेप्ट क्लियर? चलिए, तो पाटी पुस्तक सरिता सवारी, उसके बाद जान लीजिए पत्र पत्रिका। पत्र का मतलब होता है समाचार पत्र, अखबार, न्यूज़पेपर के नाम के पहले द लगा दीजिए। पत्रिका माने मैगजीन, मैगजीन के नाम के पहले द लगा दीजिए, तो पत्र पत्रिका। और उसके बाद आ जाएगा सर मकान दुकानदारी। मकान ऐतिहासिक बिल्डिंग, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, द व्हाइट हाउस, है ना सर। लेकिन अगर साधारण भी मकान हो आपका या मेरा, अगर उसका नामकरण कर दिया जाए तो उसके पहले द लगा दीजिए, जैसे द खान भवन, द पठान भवन, द सिद्दीकी भवन या सिद्दीकी पैलेस, द यादव भवन, द शांति भवन, हाँ द राजपूत भवन रहता है ना, द मन्नत अमिताभ बच्चन सॉरी शाहरुख खान के घर का नाम है, द जलसा अमिताभ बच्चन के घर का नाम है। तो ये क्या हो गया, साधारण मकान। जैसे मान लीजिए आपके वाइफ का नाम है शबनम, आ लिखवा दिए कि शबनम पैलेस, तो लिखिए द शबनम पैलेस। उसके बाद क्या आ गया, दुकानदारी। दुकानदारी मतलब पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, समझ में आ रही है ना। जैसे बैंक का नाम हो गया, तो हर बैंक का नाम दुकानदारी में आता है, हाँ तो द पंजाब नेशनल बैंक, द HDFC, द ICICI, बैंक ऑफ इंडिया तो द बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक। समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर है। हाँ कोई मार्केट आ गया, जैसे विशाल मेगा मार्ट तो द विशाल मेगा मार्ट, द टाटा टेक्सटाइल, समझ में आ रही है। अगर आप कोचिंग खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं बिजनेस पर्पज से, तो द लगा दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद पत्र पत्रिका मकान दुकानदारी, पदवी, पदवी सैनिक। पदवी का मतलब होता है पद, रैंक, ओहदा, जैसे द DM, DSP, द CO, द BDO, DMP, DMLA, द प्राइम मिनिस्टर, द CM। तो ये हो गया पदवी, रैंक, पोस्ट, इसके पहले द का प्रयोग होता है। सैनिक, जैसे द नेवी, द एयरफोर्स, द BSF, कोई दिक्कत। तो पदवी सैनिक, बाजा जाति। तो बाजा माने वाद्य यंत्र, तो कोई भी बाजा का नाम हो, जैसे पियानो हो गया, ड्रम हो गया, ठीक है ना, गिटार हो गया, सबके पहले द लगा दो। जाति मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके पहले द का प्रयोग होता है। इसके अलावा जब हिंदू में जाएगा तो अलग अलग जो है कैटेगरी बटा हुआ है, जैसे यादव, कुशवाहा, राजपूत, भुंझार, लाला, पंडित, ठीक है ना, हरिजन, तो सबके पहले द लगा दो। मुस्लिम में जाइएगा तो सिद्दीकी, खान, पठान, ठीक है ना, तेलिया, अंसारी, ये सब लगा हुआ है, उसके पहले द लगा दो, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो पदवी सैनिक, बाजा जाति, दिशा, दिशा रेट। तो दिशा का मतलब होता है जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, आगे, पीछे, सारे दिशाओं के पहले द का प्रयोग होता है। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, द अप, द डाउन, द राइट, द लेफ्ट, द फ्रंट, द बैक, द अप, द डाउन, वेरी सिंपल। चलिए, रेट का मतलब होता है कि हर चीज बिकता है, और बिकता है तो उसका रेट फिक्स है, कैसे बिकेगा ये फिक्स है, किलो से बिकेगा कि मीटर से बिकेगा, ठीक है, कि जोड़ा में बिकेगा, कि सैकड़ा बिकेगा, कि दर्जन से बिकेगा, राइट और रॉन्ग। जैसे केला दर्जन से बिकता है, सही ना, एप्पल चला जाइएगा तो केजी से बिकता है, घी जो है केजी से बिकता है, डीजल पेट्रोल लीटर से बिकता है, कपड़ा जो है मीटर से बिकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक वर्ड जान लेना है,
रेट के पास बाई, क्या जान लेना है बाई। बाई का हिंदी होता है सर के हिसाब से। सर स्पोकन की दुनिया कुछ अलग होती है सर, बाई माने के हिसाब से। जैसे बाई द लीटर, लीटर के हिसाब से, बाई द केजी, किलो के हिसाब से, बाई द दर्जन, दर्जन के हिसाब से, बाई द हंड्रेड, सैकड़ा के हिसाब से, बाई द थाउजेंड, हजार के हिसाब से। बताएं हजार के हिसाब से क्या बिकता है? ईंट बिकता है सर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हो गया रेट, यानी कि दिशा रेट अंग। रेट तक तो क्लियर हो गया, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। कंसेप्ट समझ लीजिए सर, अंग अंग मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो कोई भी हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी हो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द नोज, द चीक, द आई, द फॉरहेड, द ईयर, समझ में आ रही है सर, द लिप। कंसेप्ट क्लियर। चलिए उसके बाद क्या करें, और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। अब ये सुपरलेटिव क्या है? तो ग्रामर में एक चैप्टर पढ़ना है डिग्री। डिग्री तीन तरह का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। कैसे? तो एग्जाम्पल हम देकर आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे द बेस्ट वन। ठीक है, तो देखिए बेस्ट जो है कहां से आया? बेस्ट जो है बेटर से आया। कहां से आया सर? बेटर से आया। और बेटर कहां से आया? गुड से आया। ठीक है सर, तो गुड जो है पॉजिटिव डिग्री है, आप बेटर जो है कॉम्परेटिव डिग्री है, और बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। द बेस्ट बॉय मतलब सबसे अच्छा लड़का, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल सबसे सुंदर लड़की, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट सबसे तेज विद्यार्थी, क्या द मोस्ट इंटेलिजेंट लीडर सबसे तेज नेता। तो सुपरलेटिव के संग। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कई मिनट लगा होगा सर जी? ठीक है सर, 10 मिनट नहीं लगेगा। हाँ, 80% द का प्रयोग आपका खत्म। और यही नहीं सर, ग्रामर के हर चैप्टर पर मेरी अपनी रिसर्च है, क्योंकि मैं राइटर हूँ सर, रिसर्च करता हूँ। ये देख रहे हैं ना सर, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी ध्यान दीजिए। देख रहे हैं ना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 books 0 to hero, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, सचमुच में जादू है सर। इसमें 5 किताबें, ये फैमिली पैक है सर, देखिए फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। और जो मैं कोर्स देता हूँ, इस कोर्स का भी नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, माने खुद सीखे पूरे परिवार को सिखाए। ठीक है सर, तो इसी किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो भी किताबें हैं उसी किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये तो आर्टिकल पर जो है मेरा रिसर्च था, इस पर आर्टिकल पर रिसर्च था। ठीक है ना, उसी तरह से सर आप वॉइस का नाम सुने होंगे, सुने हैं ना सर, आप वॉइस का नाम सुने होंगे। ग्रामर का जो है लोग कहते हैं कि बहुत ही जटिल चैप्टर है वॉइस, और मैं कहता हूं कि एकदम चुटकी का खेल है, पलक झपकते हैं इस पर हम कमांड करा देंगे। ठीक है, अब आप पूछिए कि सर कैसे, तो जैसे आर्टिकल में मैंने बता दिया उसी तरह से जान लीजिए इसमें भी। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया जोड़ दे। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग भर्ब। तो
तो कह रहे कि सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, जिसे हम एक्शन वर्ब के भी नाम से जानते हैं। और एक्शन वर्ब क्या है? जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। मेरे भाषा में जानना चाहें तो जान लीजिए कि वैसा हिंदी शब्द जिसके अंत में ना आ जाए तो समझ लेना कि वो एक्शन वर्ब है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, चिल्लाना, ये सारे के सारे एक्शन वर्ब हैं। तो वही कह रहा है कि मुख्य क्रिया यानी कि एक्शन वर्ब, ठीक है ना, का तीसरा रूप। कह रहा है कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बाई से मोड़ दें। अब कंसेप्ट समझ लीजिए सर, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना, माने वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना देना है और इस सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया को जोड़ देना है, जो सहायक क्रिया वहां पर जरूरत है। उसका बात करें कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यानी कि मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट, जो उसमें सब्जेक्ट होगा ना उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर चले जाना है और तब उसको बाई से मोड़ देना है, वॉइस तैयार हो गया। कितना आसान है जो सोच लीजिए, प्रैक्टिकल करके दिखा दें। देखिए प्रैक्टिकल करके सर दिखा दे रहे हैं, एकदम आप बने रहिए मेरे साथ। जैसे मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस, वॉइस दो होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो अगर हम ऐसे कहें कि आई लव यू, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, यानी क्या बनाना है, पीवी बनाना है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको सेंटेंस पहचानना आना चाहिए कि किस टेंस में है, तब ना बदलिएगा। तो ये सेंटेंस जो है किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। अब आपको इसी थ्योरी पर चलना है, ध्यान दीजिए। कह रहे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो इसको सब्जेक्ट बना देना है ना, सब्जेक्ट बना देना है, ठीक है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो यहां पर चला आएगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सहायक क्रिया को जोड़ दें, ठीक है। तो सहायक क्रिया, क्योंकि ये तो टेंस में है तो इसका सहायक क्रिया कुछ नहीं है, एक्शन वर्ब से काम चल रहा है, अब सहायक क्रिया जोड़ना है तो इसका इज आ एम, इज आ एम, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस में इज आ एम का प्रयोग होता है, तो यू के अनुसार इज लगेगा कि आर लगेगा, आ लगेगा, युवा हो गया। सहायक क्रिया को जोड़ दे। अब कह रहे कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है, लव है, लव का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, लव, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, यानी कि आई का मी कर दीजिए, और मी को कह रहा है कि बाई से मोड़ दे, माने मी बना दीजिए अब तब बाई से मोड़ दीजिए, तो यहां कर दीजिए बाई आप जोड़ दीजिए, आसान है। देखिए तो ये थ्योरी काम आया आपका, तो सर ये सर ये सब थ्योरी नहीं है बल्कि संजीव शिवानी के संजीवनी बुट्टी है, समझ लीजिए, चाहे वर्ड बनाने का तरीका हो या फिर ग्रामर हो, ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाले के हिंदी हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे लव करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ठीक है। और नीचे वाले का मतलब हुआ कि यू आर लव्ड, मतलब आपसे प्यार किया जाता है, करे कि बाय मी, मेरे द्वारा, ठीक है ना। तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं या मेरे द्वारा तुमसे मोहब्बत की जाती है, क्या अंतर पड़ता है, कान इधर से पकड़ कर रगड़िए और चाहे इधर से पकड़ कर रगड़िए, दर्द तो कान को ही होगा,
ठीक है। अरे खरबूजे पर चाकू गिरे, अच्छा है चाकू खरबूजे पर गिरे, कटना तो खरबूजा को ही है, सही है गलत है? अब बताइए कि ग्रामर आसान है या डिफिकल्ट? आसान है ना सर, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं ग्रामर के साथ खेलता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी खेलते रहें मेरे साथ जुड़कर। आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और ग्रामर के साथ खेलिए। जैसे फुटबॉल होता है ना, तो प्लेयर्स उसको किक मारते हैं, उसी तरह से आप इंग्लिश को किक मारिए, ठीक है। और मैं तो अंग्रेजों के खिलाफ में बोलता हूँ, क्योंकि अंग्रेजों की वजह से ना हम लोग को आज इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, नहीं तो इंग्लिश की क्या जरूरत थी, हिंदी काफ़ी था, हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन अंग्रेजों ने मजबूर कर दिया पूरी दुनिया को अंग्रेजी पढ़ने के लिए, ठीक है, पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया अंग्रेजी पढ़ने के लिए। लगभग पूरी दुनिया पर शासन किया अंग्रेजों ने, जब भारत आज़ाद हो रहा था ना उस वक्त 117 देश गुलाम था इंग्लैंड का, सोचिए लगभग 200 देश है, 117 गुलाम उसी समय था, ठीक है। तो हम अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ में हम नारा भी लगाते हैं, पूरे हिंदुस्तानियों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आओ इस कदर अंग्रेजी सीखें कि अंग्रेजों का भी रिश्तेदार बन जाएं। अरे हम अंग्रेजी सीखेंगे तब ना उसके बराबरी में बैठेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश बोलता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आओ इस कदर अंग्रेजी सीखो, किससे कह रहे हैं, अपने अपने हिंदुस्तानी भाइयों से कह रहे हैं कि आओ इस कदर अंग्रेजी सीखें कि अंग्रेजों का भी रिश्तेदार बन जाए, और इस जन्म में बहनोई तो अगले जन्म में दामाद बन जाए, अगले जन्म में दामाद बन जाए, किसका, अंग्रेजों का, ठीक है सर। चलिए तो देख रहे हैं सर कितना आसान है। अब मैं चाहूँगा कि बस अपना इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर चाहते हैं कि ग्रामर आसानी से आपको मिल जाए, स्पोकन आसानी से मिल जाए, तो आप परमानेंट हमसे जुड़ जाइए। कहाँ से जुड़ेंगे? यहाँ से सर परमानेंट आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और मेरे ऐप का भी नाम है। प्ले स्टोर पर जाकर सर इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लेना है, या फिर यूट्यूब पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लेना है, और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है सर, तब ना अंग्रेजों का दामाद बनेंगे, ठीक है ना, तब ना एक अंग्रेज के बेटी को, अंग्रेज के नतनी को, पोती को हम अपना दुल्हन बना कर लेकर आएंगे, ठीक है ना। हमारा खेसारी भाई गाता भी है कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। अरे लौंडिया लाने की क्या जरूरत है, वहाँ से बीवी लेकर आओ, वहाँ से पतोहू लेकर आओ, है ना। चलिए सर तो देख रहे हैं फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, पूरे परिवार को सिखाइए, क्या सर, क्योंकि पूरे परिवार जब सीखेगा एक साथ ना तो माहौल क्रिएट होगा, और जब माहौल क्रिएट होगा तो आप जल्दी इंग्लिश सीखेंगे, सही है गलत? हाँ सर, क्योंकि माहौल क्रिएट हो जाएगा, वर्ड मीनिंग है, माहौल क्रिएट हो जाएगा, सब लोग इंग्लिश बोलने लगेगा, क्योंकि माहौल में सर बहुत ताकत होती है, बहुत क्षमता होती है, क्योंकि माहौल हमें गाली सिखा देता है। क्या गाली सीखने के लिए सर, सही सही बताइएगा, किसी कोचिंग में गए थे, किसी यूनिवर्सिटी में गए थे, किसी स्कूल में गए थे, या आपके माँ बाप सिखाया? कोई नहीं सिखाया, कहाँ से सीख गए, आपके पड़ोस में हो रहा था तो आप सीख गए, और आपके घर हो रहा था तो पड़ोसी सीख गया, सही है गलत, सही ना। तो हम सब गाली देना जानते हैं पर किसी को देते नहीं है, है ना। आज जहाँ जरूरत पड़ जाता है हम मानते भी नहीं है। अब मान लो कि हमको कोई पटक पटक कर मारने लगे, दो चार पांच को मिलकर, तो हम अपना गुस्सा कैसे निकालेंगे, गाली देकर निकालेंगे, अगर मुंह भी दब लोगों को कुछ 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 कर निकालेंगे, लेकिन गुस्सा निकालेंगे, मानेंगे नहीं, सही है गलत। गुस्सा कहीं ना कहीं से निकलना चाहिए ना, कोई दिक्कत? तो सर कंसेप्ट क्लियर हो गया सर, परमानेंट हम मिलेंगे कहाँ पर, वर्ड मीनिंग मैंने बता दिया कि आसान है, एकदम इजी प्रोसेस है, इजी गोइंग है, आप प्लस ग्रामर को भी मैंने बता दिया, परमानेंट कहाँ मिलेंगे भी बता दिया हमने, और ऐप पर चले आइएगा तो जो किट मैं दिखा रहा था ना उसका ई बुक के रूप में, ई बुक तो समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, ई बुक के रूप में, ठीक है ना, 5 किताबें हैं जो किट में, 5 बुक्स है ना, वो ई बुक के रूप में ऐप पर अवेलेबल है। तो आज ही ज्वाइन कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें, रिश्तेदारों में भी शेयर कर दें, और यदि कोई आपका दुश्मन है तो किसी से कह कर उसको ज्वाइन करवा दीजिए, लेकिन ज्वाइन जरूर करा दीजिए सर, क्योंकि हम लोग एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं, अंग्रेजी सबको सिखाना है
रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। और अंग्रेजों का रिश्तेदार भी तो बनना है। फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स इज हैविंग द राइट कोच। गेट द बेस्ट एजुकेशन विद इंग्लिश प्लस बाय संजीव सिवानी एंड मेक योर स्पोकन इंग्लिश ड्रीम्स कम ट्रू। डाउनलोड द ऐप नाउ।